बहुत अच्छी खबर सुनाई, मजा आ गई सच्ची। बेटा तुम्हारी उन्नति से हम सब बहुत खुश हैं। सब आप ही का आशीर्वाद है माँ। देश बेटा, हमारे पास भी तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारी हेतल पूरे स्कूल में कविता पाठ में फर्स्ट आई है। अरे इनाम जीता है मेरी बेटी ने, इनाम। बहुत अच्छी खबर सुनाई बापूजी आपने। अरे उसे बोलो कभी हमें भी कोई कविता सुना दे। अब तू उससे ही बात कर ले। कराइए। नहीं भैया, मैं ऐसे आपको नहीं सुनाने वाली। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ कब आ रहे हैं। अरे हर्षा दीदी भी आई हुई है, अगर आप यहाँ होती तो कितना मजा आता। अरे यार हेतल, बीमार से पहले आना बहुत मुश्किल है। क्यों? अरे तू फिक्र क्यों कर रही है, अभी हम लोग आएंगे ना तो खूब कविताएं सुनाएगी हमें, और तेरी भाभी को तो बहुत शौक है। ठीक है, पक्का। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्ण बापू जी। नहीं हूँ मैं पागल, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। गुजरात के अमरेली की रहने वाली 18 साल की हेतल ये कहते हुए सूरत की सड़क पर जख्मी हालत में बदहवास भाग रही थी। क्यों? कहां था उसका परिवार? कहां थे उसके माँ बाप? कहां था उसका भाई नीलेश, उसकी बड़ी बहन हर्षा? 3 साल में ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों की अहमियत हेतल और उसके परिवार से दूर हो गई? कैसे पहुंची वो इस बदहाली में? आखिर अमरेली से सूरत तक के इस खौफनाक सफर की शुरुआत हुई कब थी? हम लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर शाम तक वापस आ जाएंगे। हेतल का ख्याल रखना। बचपन से मैं इसी का तो ख्याल रखती आ रही हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बापूजी। हेतल, बड़ी दीदी को बिल्कुल तंग नहीं करना। माँ आप चलो निकलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए। हर्षा दीदी, पापा का फोन नहीं लग रहा। ये लोग तो सुबह से निकले थे ना, अब तक तो इन्हें लौट आना चाहिए था। देख हेतल, तू परेशान मत हो, पता है ना मंदिर बहुत दूर है, वो लोग आते ही होंगे। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलो बेटा। हॉस्पिटल? मगर क्यों? तुम्हारे माँ बापूजी का एक्सीडेंट हो गया है बेटा। जो होना तो हो गया। मैं तो हेतल को अपने साथ सिद्धपुर लेकर चली जाऊं। लेकिन दीदी, आपके अपने दो बच्चे और अब हेतल भी? हेतल बेन को हम अपने साथ सूरत ले जाते हैं। और अब वैसे भी इतना कुछ कर चुके हैं हम सबके लिए, अब आप हेतल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नीलेश ठीक कह रहा है हर्षा। तू वहां अकेले सूरत में क्या करेगी? ए दीदी, अकेले क्यों, हम लोग हैं ना। और वैसे भी अब यहाँ बचा ही क्या? जैसा सासू माँ ने तय किया था, उनके सारे गहने हेतल को जाएंगे, रह गया है घर। इसको बेच के जो भी आता है वो सब भाई बहन आपस में बांट लो। जीजा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और हेतल बेन के हिस्से के पैसे नीलेश अमानत के तौर पर अपने पास रख लेंगे। और जब हेतल बालिग हो जाएगी तो उसकी अमानत में उसे वापस लौटा दूंगा। हाँ, अगर इसमें अगर आप सब राजी हो तो। और ये सब कुछ हम सबकी निगरानी में रहे, मुझे ये सब सही लगता है। आपको क्या लगता है दीदी? तो तुम सबको यही लगता है तो ये ठीक। ये कमरा तो तेरा है ही, अब इस घर को भी अपना ही समझना। हुँ? और हमारे होते हो तुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। चल अब तू नहा धोकर आराम कर ले, मैं थोड़ी देर में खाना बना लेती हूँ। ठीक है। कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे ये फाइल से आपकी बत्ती है, जब देखो तब काम, मेरी तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे घर में इतना सारा जेवर और पैसा, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है, पता है मेरे गले से निवाला भी नहीं उतरता। आखिर जो भी हो
हेतल की जिम्मेदारी हमारी है ना, और इतना सेवर और पैसा घर में रखना सेव भी तो नहीं है। अब उसके पास तो नौकर है नहीं, तो मैं सोच रही थी आप उससे वो जेवर लेके मुझे क्यों नहीं दे देते, मैं देवेन के साथ जाकर हमारे लॉकर पे रखाऊंगी। अब लॉकर इस घर पे मेरे ही पास है ना। तो तुम ठीक कह रही हो, सारा गहना और पैसा वहां पे लॉकर में ही ज्यादा सेफ रहेगा। मैं काम करता हूँ, कल मैं हेतल से सारा पैसा और गहना लेके मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? चलो बाबा, आप मैं अपना काम कर लूं। ये तो बहुत प्यारे हैं। अब ना तेरी शादी तक हम इसे संभाल कर रखेंगे। भैया, आपने पता लगाया कि मेरी कंप्यूटर क्लासेस कब से शुरू हो रही है? हाँ, मुझे सब याद है। आज शाम को जाके पता करके आता हूँ कि नई क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। अरे अभी अभी तो तू आई है, कुछ दिन आराम तो कर ले। अरे हाँ दिला, हेतल को ना ढोकले बहुत पसंद है। तू ना एक काम कर, आज ना इसे मस्त ढोकले बना के खिला। नहीं, अरे बनाकर क्यों खिलाऊंगी, सिखाऊंगी इसे। क्यों हेतल, सीखेगी ना? वाह, आज तो पूरा नाश्ता बना डाला हेतल ने। नहीं, और मैंने ना किचन भी साफ कर दिया भैया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, वो मेरी कंप्यूटर क्लास का कुछ पता चला? वो गया था ना मैं वहाँ पे, वो अभी 1.5 महीने के बाद में शुरू होगा। 1.5 महीना? वो आपस में दोनों पार्टनर्स की कुछ इशू है तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि हेतल बेन ने नाश्ता कैसा बनाया? बहुत अच्छा बना है बेटा। हेतल, मैं तो तुझसे कहती हूँ ये कंप्यूटर छोड़, शेफ बन जा तू। पर नहीं, जो करना है वो करेगी। लेकिन हेतल, मैं तेरे को ये बोल रहा था कि जब तक तेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती तब तक तू अपनी भाभी से नए नए पकवान बनाने सीख ले। मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल इसके लिए। और भाई, कल शादी करके अपने घर जाएगी तो ये सारी चीजें वहां पे काम आएंगी ना, और ये भी एक तरीके की कोचिंग क्लासेस ही हो जाएंगी। और इसकी प्रैक्टिस तो हम आज ही से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, भूल गए आप, बताया था ना मैंने कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली वो किटी पार्टी के लिए। अरे हाँ, अब उनके लिए खाना तो मुझे बनाना ही है। हेतल बेन मेरी मदद कर देंगी तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा और ये भी सीख जाएंगी। क्यों हेतल? ठीक है। हेतल, कोल्ड ड्रिंक लेती आना। बहुत मजा आता है। लो, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। मैंने तो सच में कान पकड़ लिया, आज के बाद मैं उनके घर तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाली हूँ। हम यहाँ बैठेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे यूं। अरे लो लो, ग्लास उठाओ अपने अपने। हाँ, क्या हाथ मारा है तूने, कहाँ से पकड़ लाई है इसे? थूपी ना, अब क्या बताऊं, बिना माँ बाप के अनाथ है बेचारी। रो रो कर मुझे कहने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे तो उस पर दया ही आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे तो नहीं है हम, दया और वो भी तुझे। तू भी ना बहुत बदमाश है, ये सुधरेगी नहीं बिल्कुल भी। हाँ हेतल, मुझे पता है कि वहाँ पे सब कुछ नया नया है ना, तो तुझे थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही होगी। और अगर तू यहाँ आ जाएगी तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तू जानती है ना, यहाँ पे स्कूल भी तो अच्छे नहीं है। दीदी, मैं वो सब देख लूंगी ना, बस प्लीज मुझे आपके पास आने दो। हेतल, लेकिन तेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। दीदी देखिए, यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, प्लीज मुझे आपके पास आने दो ना। अच्छा ठीक है, तू आ जा, मैं तेरे जिया जी से बात करती हूँ। सच्ची ना? लेकिन हेतल एक बात पूछूं, वहां पे सब कुछ ठीक तो है ना? दीदी, वो ला जरा, मैं भी दीदी से बात करूं। तू जा, तब तक मेरे लिए पानी ले।
हाँ दीदी, कैसी हो? हाँ अदिला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि हेतल कुछ परेशान लग रही थी मुझे। कहाँ ठीक है दीदी, अभी माँ और बापूजी को गए दिन ही कितने हुए, हर वक्त बस खोई खोई रहती है हमारी हेतल। ओ, फिर अब? इसीलिए तो मैं हर वक्त उसे अपने साथ ही रखती हूँ, घर के काम काज में इधर उधर उसका मन लगाए रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी हेतल। अरे अदिला देखो, तुम हिम्मत मत हारना। हाँ तुम अपने आप को संभालो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हेतल को संभाल लोगी, बस तुम हिम्मत मत हारना, संभाल लो उसे और अपने आप को भी। हाँ ठीक है दीदी। बदल गया है आंगन, बदल गया है मौसम, कुछ अच्छा सा नहीं लगता। हूं तो अपनों के बीच, लेकिन फिर भी क्यों कुछ अच्छा सा नहीं लगता। अरे हेतल देखना दरवाजे पे कौन है बेटा। भाई जिस कहाँ हो? हेतल, तेरा मेरे भाई के लिए पानी तो ले आना, बेचारा बहुत प्यास। सॉरी बोलना है तो थोड़ा प्यास से बोल देती। अब जाने की इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाल लिया करो। देवी ये क्या हो रहा है? देखो ना दीदी, अब तो हम एक दूसरे को कितने दिन से जानते हैं, फिर भी ये ऐसे डर रही है जैसे मैं सड़क पे चलता हुआ कोई मवाली हूँ। अब ये हमारी तुम्हारी तरह बड़े शहर से थोड़ी है, छोटे से शहर से है बेचारी, इसे क्या पता बड़े शहर के लोग और उनके तौर तरीकों के बारे में। की कोशिश करो आदिल, तुम जानती हो कि वो इस कंप्यूटर क्लास का कब से इंतजार कर रही है। इतनी फिक्र है ना उसकी, और मैं तो जैसे कुछ हुई नहीं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, कल उसके मिशन का आखिरी दिन है, और उसके जितने भी पैसे थे वो मैं सारे पहले इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? अरे बाबा, जब तक उसके वो पैसे वापस नहीं आ जाते तुम ना अपने अकाउंट में से मुझे थोड़े बहुत पैसे तो दे सकती हो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब बड़ी दीदी को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ बड़ी दीदी को बुरा लगेगा, हेतल को बुरा लगेगा, तुम्हें बुरा लगेगा, बस। और मैं जाऊं भाड़। अदिला क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके? हाँ तुम्हारी नौकरी, ये घर, और तो और जो बिजनेस तुम शुरू करने जा रहे हो ना, वो भी मेरे बापूजी की वजह से। और तुमने किया क्या मेरे लिए? तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ तो गलत क्या कह रही हूँ? सोचा था कि तुम्हारे माँ और बापूजी के जाने के बाद शायद कुछ मिले, लेकिन नहीं। और वो सारे जेवर भी हेतल के नाम, मैं सचमुच कुछ नहीं। अब मैं इस बेचारी हेतल का क्या दोष है? देखो ये दोष वोष ना मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे तो उसकी शक्ल देख के चिढ़ होती है, और वैसे भी घर की जायदाद में बेटियों का कब से हिस्सा होने लगा? इसका मतलब है सब कुछ तो तुम्हारा हुआ ना, मतलब मेरा। हाँ पापा सब कुछ तुम्हारा ही, लेकिन प्लीज थोड़ी धीरे बोलो, कहीं हेतल ना सुन लेगी तो क्या? मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? ठीक है तुम ही बताओ आगे क्या करना है। ये सब ना मुझसे मत पूछो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज के बाद ना इस हेतल के लिए
मेरे या मेरे पैसे की तरफ देखना भी। ठीक है, अब तुम जो बोलोगी ना मैं वही करूंगा। क्या कहा तूने? मैं जानबूझ के तेरा एडमिशन नहीं करा रहा। हाँ नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे वहां पे एडमिशन करवाना कोई खाना बनाने का काम नहीं है। 50,000 रुपए लगते हैं डोनेशन के लिए, समझी तू? और बिना पैसे के ना तुझे वहां पे खड़ा भी नहीं होने देगा कोई। और अभी तेरा एडमिशन कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो करवा दूंगा तेरा एडमिशन। हाँ भैया मैं जानती हूँ, इसीलिए आप मत कराइए मेरा एडमिशन। वो जो मेरे पैसे थे ना, आप वो मुझे दे दीजिए, मैं उन पैसों से अपना एडमिशन करा लूंगी। खबरदार, तो उन पैसों के बारे में सोचा भी तूने तो? जब तक तू 18 साल की नहीं हो जाती ना, तुझे तो उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। और उन पैसों का क्या करना है ये मैं तय करूंगा, समझी? ठंडक पड़ गई तेरे कलेजे? बापूजी समान भाई से सुबह सुबह बहस करने से पहले सोचा नहीं ना तूने? तेरी वजह से वो भूखे ही चले गए। आने दे तेरी दीदी का फोन, तेरी सारी करतूतें बताती हूं। केतन, दीदी का फोन देव, बात तो कर ले। हेलो केतन, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ क्या दीदी? कभी तुम नींद में उठकर चलने लगती हो, कभी तुम्हें माँ बापों की याद आती है, और कभी तुम्हें कोई चोर नजर आता है। कभी कभी तो तुम इतना जोर से चिल्लाती हो कि पड़ोसी आकर इशारे से पूछते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस हेतल, बहुत हो गया। देखो माँ बापूजी की याद हमें भी बहुत आती है, उनके जाने का दुख हमें भी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें करो। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही हेतल, अपने आप को संभालो। और एक तो आदिला ने तुम्हें अपने पास रखा है, उसे और परेशान मत करो। और अगर तुम उसे इतने ही परेशान करती रहोगी तो तुम हमें भी मुसीबत में डाल दोगी। सुनिए तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बस करो, अदिला को फोन दो। हाँ दीदी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, क्या कमी हो गई मुझसे कि ये सब? नहीं नहीं अदिला, इस बार ना इसकी गलतियों को नादानी समझ के माफ कर दो। देखो अगर अगली बार उससे कोई गलती होती है ना तो मैं खुद आकर। नहीं नहीं दीदी, आप क्यों यहाँ आने की तकलीफ कर रही है? मैं हूं ना, मैं सब संभालू। अच्छा दीदी, फोन करते रहिए। आज की बात अगर अपनी जबान खोली ना तो तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगी, समझी? फिर रेंगते हुए जाना अपने उन कंप्यूटर क्लासेस की। हेलो, अरे मैं आ रही हूं, बस पहुंचती हूं, ठीक है? केतन मैं बाहर जा रही हूं, घर का ध्यान रखना। ऑटो आगे।
भाभी घर पर नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे पता है दीदी घर पर नहीं है। अगर वो घर नहीं है तो मैं घर नहीं आ सकता। नहीं मतलब ऐसा कोई कानून है? मतलब वो है क्या? अच्छा कम से कम पानी तो पिला दो। मेरी बात सुनो, तुम घर से भागना चाहती हो ना? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर से भगा के ले जाऊंगा। छोड़ो, सच में देखो मेरी बात सुनो। छोड़ो, बचाओ। क्या अब दीदी तुम ये सब क्या हो रहा? देवेन दीदी इसने मुझे कहा कि मुझे घर से भगा कर ले जाओ, उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। तू अंदर जा, जा। सब्र नाम की चीज नहीं है ना तुझे? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा पर्स यहाँ छूटा और मैं वापस आ। बापूजी ने तुझे जिस वजह से घर और बिजनेस से निकाला था वो आज फिर वही करने जा रहा था। तो मैं हूँ देवे, अगर बापूजी को पता चले ना तू अब भी नहीं सुधराए तो अब तो वो तुझे जायदाद से भी बेदखल कर देंगे और दे देंगे सब कुछ मेरे सीधे सादे पति को। फिर फकीरों की तरह उनके सामने हाथ फैलाकर खड़े रहना। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है तन? एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि अगर आस पड़ोस के लोगों को यह सब कुछ पता चलेगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी? बस करो एतन। देवेन तो तुम्हारे भाई जैसा है ना, तुमने उसी के साथ ही उसी का हाथ पकड़ के तुम यहां से भाग जाना चाहती थी है? क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने तुम्हारे लिए? बस नीलेश, अब मैं और यहां नहीं रह सकती। मैं कल ही अपने बापूजी के घर जा रही हूं। ये क्या कह रही हो तुम आदिल? अब तुम क्यों जाओगी? नहीं नीलेश, कल इसने तुम पर इल्जाम लगाया, आज देवेन पर, क्या पता कल ये मुझ पर ही उंगली उठाए, कह दे कि मैं इसके सेवा रखना चाहती हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो तो आज के बाद अगर अपनी जबान खोली ना तो तेरी टांगे तोड़, समझी? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर से भगा कर ले जाऊंगा। छोड़ो, सच में मेरी बात सुनो। देवेन तो तुम्हारे भाई जैसा है, उसी का हाथ पकड़ के तुम यहां से भाग जाना चाहती थी। जीना हराम करके रखा है उसने हमारा, तुम उसे घर से निकाल क्यों नहीं देते नीलेश? आदिला तुम कैसी बातें करती हो, वो छोटी है लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, कहां छोड़ूं मैं उसे? हां अभी भी तुम्हें उसी की फिक्र। ओ बाबा समझदारी से काम लो। देखो अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो मुसीबत तो हमारे ऊपर ही आएगी, समझ रही हो ना? देखो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा और अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो बड़ी दीदी अपने वकील पति की मदद से सारा कैश तो लेंगी लेंगी और जो तुम्हारे लॉकर में उसके जेवर है ना वो भी जाएंगे हाथ से। सब्र से काम करो, समझी? नहीं रहूंगी अब, मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी।
बट प्लीज तुम कुछ करो ना, कुछ तो रास्ता निकालो इसका। हाँ बाबा निकालता हूँ रास्ता, लेकिन पहले मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। इस सारे झमेले के चक्कर में ना भूखे प्यासे रह रह के मेरा दिमाग भी चलना बंद। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नीलेश शीतल के पैसे तो हत्या ही चुका था, पर अब उसकी इज्जत के लिए भी उसके लिए कोई कीमत नहीं रही थी। उसने जैसे अपनी गैरत और हेतल की मासूमियत का सौदा कर लिया था। अपने भैया भाभी की इस खुदगर्जी और लालच की वजह से हेतल को किस नर्क से गुजरना पड़ा उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। भैया मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो भैया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बाजार जाके लोहे का सांकल लेके आऊं, इसके ऐसे पैर बांधूंगा कि दोबारा भागने के थकिया चलने के भी लायक नहीं रहेगी। मैंने अगर किसी ने पूछा कि हम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं तो क्या पागल को जंजीरों से तो बांधना पड़ेगी, खतरा हो सकती है। लेकिन कब तक इसका जिंदा रहना हमारे लिए मुसीबत ना बने, तब तक। उस दिन से लेकर 2 साल तक हेतल किसी को नजर नहीं आया। अगर सुनी थी तो बस उसकी चीखें, जिनमें उसका दर्द, उसकी बेबसी साफ झलकती थी। लेकिन लोगों पर उन चीखों का भी कोई असर नहीं हुआ। सभी ने यह मान लिया कि हेतल पूरी तरह से पागल हो चुकी है, अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। जब हेतल की बड़ी बहन हर्षा उससे मिलने आई तो दवाइयों के जरिए हेतल की वो दशा कर दी गई थी कि वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। हार मानकर हर्षा ने भी ये कबूल कर लिया कि हेतल सचमुच पागल हो गई है। अपनी चाल सफल होते देख नीलेश के मन से भी अपनी बड़ी बहन का डर धीरे धीरे निकल गया और उनके अपने स्वार्थ में जैसे हेतल कहीं खो गई। हेतल के हिस्से के पैसों से नीलेश का बिजनेस चल पड़ा और घर में आमदनी भी अच्छी होने लगी। भैया लेकिन हेतल के हिस्से में अब भी अत्याचार और जुल्म ही थे। भैया प्लीज। वो गुलामों की तरह दिन भर घर में काम करती थी। ले साफ कर सारे। और उसे बस इतना खाना दिया जाता था ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन इतनी तकलीफ और जिल्लत के बाद भी हेतल ने हार नहीं मानी। उम्मीद उसके जहन में अब भी बाकी थी। अच्छी लगती है क्या दीदी? तुम भी
रॉकेट बना बना के फेंकते रहते हैं, कोई पागल ही होगा। दिखाई पड़े ना तो उससे ही साफ करवाते हैं। बराबर ट्यूशन जाना समझे, पढ़ाई बराबर कर। नहीं वो नहीं। अरे छी, अरे बेटा गंदा है, गंदे में हाथ नहीं डालते, छोड़ छोड़ो। पापा ये कचरा नहीं है, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा आगे चले जाइए भाई साहब। इधर आ जाओ बेटा। अरे हाँ इस पर तो कुछ लिखा हुआ है, मेरी दीदी को कॉल करो, मेरी मदद करो। अरे सुनो क्या हुआ भैया, ये रॉकेट कहाँ से आया? ऐसे रॉकेट तो रोज दो तीन यहाँ पड़े रहते हैं, पता नहीं कौन बना बना के फेंकता है। क्या आप लोगों ने यहाँ किसी से पूछा नहीं? भाई साहब हम थोड़े नहीं आ रहते हैं, कागज कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया हमें पता चलेगा, हम तो झाड़ू मारने आते हैं, मार के चले जाते हैं। अच्छी बात है। हेलो हर्षा दीदी, कैसी हैं आप? हेतलबेन को देखने आ रही है? हाँ अदिला, मैं आ रही हूँ, और मैंने अहमदाबाद में एक बड़े डॉक्टर से बात भी कर ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप आ जाइए, मैं नीलेश को बता दूँ। जी मजाक समझ के रखा है क्या दीदी आपने? अगर लाश पकड़ी गई तो हम तीनों फंस जाएंगे। होगा तो अभी ही, बस सोचना ये कि उसे मारे कैसे, कि अगर उसकी लाश मिले भी तो ये हत्या नहीं आत्महत्या। लेकिन अगर लोग पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देंगे, कह देंगे कि उसे पागलपन का दौरा चढ़ा, कहीं भाग गई थी और जाकर अपनी जान दे दी। आप पुलिस? अब अपनी जान बचानी है तो उनका मुंह भी कुछ खिला पिला कर बंद तो करना ही पड़े, जो भी हो, लेकिन हम करेंगे तो ये आज ही। इतना संभाल कर रखा था उसे दीदी, पता नहीं भी कैसे गई कहाँ? पता नहीं, कल तो यहीं पे थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ उसे, किसी को कुछ भी नहीं पता कि हेतल आकर कहाँ चले गई। भगवान करे वो जहाँ भी हो ठीक हो, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी, पूरी तरह से पागल हो गई थी। अदिला अगर उसकी दिमागी हालत खराब होती तो उसे मेरा फोन नंबर कैसे याद था? अगर उसमें जरा भी समझ नहीं होती तो वो मुझ तक ये खबर कैसे पहुंचाती? आपके कहने का मतलब क्या है दीदी? यही कि कोई तो ऐसी बात थी जो वो मुझे बताना चाहती थी। तो आप ये कहना चाहती है कि मैंने उसे जबरदस्ती पागल बनाकर यहाँ पे बंद करके रखा हुआ था? देखो नीलेश, आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, एक बार हेतल मिल जाए सब कुछ साफ हो जाएगा, हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। दो साल पहले पापा मम्मी की डेथ के बाद भाई ने कहा कि वो मेरी बहन को रखना चाहते हैं, तो कोई बात भी नहीं थी कि मतलब भाई के पास वो ठीक रहेगी, तो मुझे भी ऐसी कोई वजह नजर नहीं आई कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ जब भी उससे मैं बात करती थी तो ऐसा लगता था कि कुछ तो है बात जो वो मुझसे छुपा रही है। आप ही कह रही हैं कि आपको नहीं मालूम कि किसने फोन किया था? हाँ नाम तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बताया कि वो कागज के रॉकेट बनाकर फेंकती थी, शायद उनके जरिए वो ये बात हम तक पहुँचाना चाहती थी। देखिए ये भी तो हो सकता है कि कोई आपके साथ मजाक कर रहा हो। पर ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा इंस्पेक्टर साहब? और जो भी बात हो मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए कोई भी कोशिश अधूरी नहीं छोड़ना चाहती। देखिए अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी आपकी बहन को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया। आप सब गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, कल सच में पागल हो गई। अच्छा तो तुम्हारी अपनी बड़ी बहन तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाई? वो तो हेतल के पैसों को हड़पना चाहती है, इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे रास्ते से हटा रही है। और तुम सच इसकी क्या गारंटी? मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। यकीन करना तो हम पुलिस वालों का काम होता ही नहीं, और सच क्या है ये मैं खुद मालूम कर लूंगा। फिलहाल जब तक ये जांच जारी है तुम दोनों ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, समझे? हेलो, क्या ये आप क्या कह रहे हैं?
ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी। डॉक्टर, डॉक्टर कैसी है मेरी हेतल? वो ठीक तो हो जाएगी ना? ये तो मैं उसके होश में आने के बाद ही बता पाऊंगा। लगता है उसे एक लंबे अरसे से भूखा पैसा रखा गया है। अच्छा तुम चलते हैं। ठीक है ना, हो गई गलती। गलती? तुम इसे गलती बोलती हो? तो हो गई ना गलती, तो क्या करें? अरे पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा खानदान पागल। बोला था ना मैंने तुम्हें, बोला था ना कि केतल को मार के उसी वक्त कहीं पे फेंक देना। फिर तुम्हारे उस बेवकूफ भाई से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझ पर चिल्ला कर क्या होगा? अरे तो किस पर चिल्लाऊं? और वो तुम्हारा बेवकूफ भाई हमें फंसा कर भाग गया, कहां पर है? मुझे क्या पता कि कहां है वो। कल से तो उसका उसका फोन भी नहीं लग रहा। दुआ करो कि हेतल हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दे, क्योंकि अगर वो बच गई ना तो नहीं बचेगी। जब तक हेतल को होश नहीं आ जाता तब तक नीलेश, अदिला और देवन का जुर्म साबित करना मुमकिन नहीं था। लेकिन हैरानी भरा सवाल यहां यह उठता था कि आखिर हेतल जिंदा कैसे बच गई, और देवेन जिसे हेतल को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी वो कहां छुपा हुआ था? आखिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों था? क्या देवेन हेतल की हत्या करने में असफल रहा, या एन वक्त पर देवेन को हेतल पर दया आ गई? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब हेतल के होश में आने पर ही मिलता। लेकिन तब तक सबसे जरूरी था हेतल का पूरा ध्यान रखना, और हर्षा ने वही किया। वो दिन रात उसकी सेवा में जुट गए। आखिरकार उसे कामयाबी मिली। मुझे घर ले जाके बहुत काम कर रहा। जब मैंने कंप्यूटर क्लास पे डालने की बात की तो मुझे बहुत मारा। मैंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मेरे पैर जंजीर से फंस दिए। मैंने फिर वो रॉकेट बना बना के फेंके जिसमें मैंने आपका नंबर लिखा था। लेकिन आबादी इससे पहले वो देवेन मुझे लेकर चला गया। देवेन ने मेरे साथ जबरदस्त घबरा मत, मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन। रुक हेतल रुक। अब तो बिल्कुल भी मत रो। जिन लोगों ने तेरे साथ ये सुलूक किया है उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, और मैं उनको सजा दिलाऊंगी, मैं दिलाऊंगी। पुलिस ने जैसे तैसे उस बेकाबू भीड़ से नीलेश और अदिला को बाहर निकाला और थाने ले गई। इधर जैसे ही देवेन को होश आया तो वो अपनी जान बचाने के लिए मुंबई भाग निकला, मगर सक्षम पुलिस ने उसे वहां भी ढूंढ निकाला। हर्षा ने हर मुमकिन कोशिश की हेतल के जहन से उस दर्दनाक दौर की कड़वी यादें मिटाने के लिए, और वो कामयाब भी रही। क्योंकि अगर हमारे अपने मुश्किल वक्त में हमारे साथ ना हो तो छोटी से छोटी कठिनाई भी हमें अपाहिज बना देती है, पर जब परिवार का साथ हो तो इंसान बड़े से बड़े सदमे से भी लड़ जाता है। रिश्तों के ये कच्चे धागे ही हैं जो जिंदगी के सुख दुख को एक साथ बांध कर रखता है। इसीलिए ये जरूरी है कि दूसरों की सुनने की बजाय पहले अपने परिवार की सुने, उन पर विश्वास करें, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं इतेन तेजवानी आपसे इजाजत लेता हूं।